ये विकास नगर वाले मामले में हूँ मैं। अच्छा, इसमें तो जो कार्रवाई अभी हो रही है वो तो ना के बराबर है। इसमें पहले तो बढ़ाने जो वो बढ़ाई गई है नारा है, वो उसमें 304 लगाई है, जबकि उस लड़की की हत्या हुई है। दूसरा, तीन लोग के नाम उसके प्रकाश में है, गिरफ्तार गिरफ्तार नहीं हुए। नहीं, आपके उसमें दो लोग गिर गए थे, हर्षवर्धन और सचिन गुप्ता। इनसे जब पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि भाई उस लड़की को लेके गए थे, लेकिन इन तीन लोगों की सपोर्ट की थी हम लोग। तीन लोगों में से जो सीतापुर गए, एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। अच्छा, वो जो मैडम है सर, मैं फोन कर रहा हूँ, मैं तो समझता हूँ। ये तो SST एक्ट अभी बढ़ा है, लेकिन पहले उससे पहले जो जो FIR थी ना वो थी उसमें। हाँ, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप जो है ना पीड़ित परिवार को सुने, आप मुझे बताएं सुबह मैं आपको आपके पास किस समय भेजूंगा। कल 11 बजे आपके ऑफिस भेजू, आज सौरभ किशोर जी आएंगे साथ में लेके आऊंगा। आप इनकी मदद कराएं, ये जो है ना इस तरह आरोप घूमते रहेंगे। हाँ, नहीं नहीं मुझे भरोसा है, वो कल आपके पास आएंगे और मुझे भरोसा है कि आपको कहते हैं इसमें मदद होगी, आरोपी नहीं बचने चाहिए। ठीक, धन्यवाद, कल आएंगे 11 बजे। ठीक, आता हूँ। ये मुझे भेजे थे आपने, देखो मेरी बात सिंगल क्या आ रही है तो बताता, नीचे के लोग जो है ना थोड़ी सेटिंग वेटिंग करके चीज़ों को खराब करते हैं। यहाँ DCP जो है ना मेरे अब्बा जी, कल आप 11 बजे जाओगे, आप जाओगे वकील साहब हॉस्पिटल, लेकिन अब फिर आप उनको सारी बात समझाओगे हुआ क्या है। उन तक जो उन्होंने भेजा ना इन्फॉर्मेशन, उन्होंने कहा जी तीन नाम प्रकाश का है, दो पहले भेजे थे, एक भेजे, तीनों भेज दिए, वो उनसे कराएंगे, वो करके देंगे। वो मुझसे अभी वादा कर रहे हैं कि जो भी सस्पेक्ट है, जो भी प्रकाश लाएगा, मैं उनको जेल भेजूंगा। आप अपनी बात, ये तो इतना खतरनाक मामला है ना, देखो बताओ ऐसे कैसे बेटी बेटी को उठा के वहां पर भेज दिया और इतने दिन तक खबर नहीं रही और 3 दिन बाद मिलती है तो उसकी जांच ले, कोई छोड़ा अरे पशु अगर गाय मर जाती तो भी चर्चा हो जाती है। तीनों ये लोकल के नहीं, सीतापुर के कहां से कहां लेके पहुंचा दिया। अच्छा, इनको देखो 7 दिन में बेल मिलता है, और IT एक्ट के मुकदमे में 7 दिन में बेल नहीं दे रहे हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, बेसिक क्या है ना, नीचे के लोग जो हैं सरकार के या सरकारी महकमे के या सरकार के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनके दबाव में, उनके प्रेशर में नीचे नीचे चीजें खराब कर दे रहे हैं। FIR में एज खोल के आ रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट लगा के आ रहे हैं, जब माइनर पहले से डिक्लेयर थी फर्स्ट डे से ही, तो पास को बढ़ाया नहीं। मैं वही बता, अच्छा उनको लगता क्या ना, मैं बता रहा सीरियसली, अलग हो जाओ लगता क्या ना उनको, इनको लगता है कोई बात तो करेगा नहीं, 2-4 दिन बोले वाले कोई सुनेगा नहीं, चुपचाप बैठ जाएंगे, ना कोई मीडिया दिखाएगा ना कुछ होगा। ये दिमाग में आ गया है कि ना कोई सुनेगा ना कोई बोलेगा, तो चाहे जानवर समझ किस तरह करते रहो। ठीक है, उस दिन मैंने उनसे बात की तब जाके तो उन्होंने मुझे कहा नहीं नहीं मैं इसको दिखवाता हूँ। अच्छा, उन्होंने बहाना दे रखा है, ACP मैडम जो है वो बार बार कह, सुबह से कह रही मैं कोर्ट में, रविकांत जी वाले में भी सर मेरे तो कोर्ट में ड्यूटी लगी, 3-4 आदमी नहीं आप। अच्छा, हमारे पढ़े लिखे होने का, कानून के जानकार होने का फायदा क्या, अगर मदद नहीं कर भाई 304 क्या मतलब है, उसमें हत्या हुई है ना, हाँ तो फिर 304 का मतलब, 304-306 का क्या मतलब, उनमें उसमें 302 लगनी चाहिए, और जिन लोग जिन दो लोगों के नाम प्रकाश में उनको उठा के
पहले गिरफ्तार करना चाहिए, फिर पुलिस रिमांड पर जांच कर उसको जाने पुलिस रिमांड के लिए कुछ तो नहीं कि आपका क्या रोल है बताओ, किसका क्या रोल है बताओ। और ये दो दो के छुटे हैं जो ये अपराध ये भी शामिल है 120 में, इनको भी आना चाहिए उसी धाराओं में। 120 में जो धारा बढ़ी है उसमें उनको भी आना चाहिए, ये तो इस वाले में तो बिल करा ली ना 302 में तो सबको आना चाहिए। हाँ आप जो उसके साथ में रेप और मर्डर में सब आयु इतनी बेवकूफी कर रहा है उसको कहा जा रहा है कि तुम बिल पे क्यों नहीं लगा रहे, जब 120 बिल लग गई तो 120 बिल में उस क्राइम में जितनी भी धाराएं हैं सब में बराबर का रोल हो गया। हाँ तो उनमें भी बेल आउट होना पड़ेगा ना, 120 बिल आने का मतलब जो भी हुआ है सब में सबका रोल हो गया, सब एक एक विधिन छोटी से छोटी धारा बड़ी बड़ी धारा में सब में रोल सकता है। अच्छा ये 120 बिल में ये FIR गलत होगी ना शुरू से? नहीं नहीं ये 120 बी में तो ये दो लोग आने चाहिए, वो तो मेन उसमें आने चाहिए, वो जो तीन लोग हैं एप्लीकेशन लोग लो, हम लोग हमारी मर्जी की लीन अपनी मर्जी की एप्लीकेशन लिखवाते हैं। अरे तो हमारे यहाँ के नेता हो, अगर तुम्हारी एप्लीकेशन इस तरह लिखी जाएगी तो आम आदमी का सोचो क्या है, फिर हम देखो कहाँ खड़े हैं, हमारी क्लास देखो कहाँ है। अगर वो तुम्हारी एप्लीकेशन भी जिसके साथ इतने लोग समूह रहता है उसकी एप्लीकेशन वही लिख रहे हैं तो फिर हालात देखो क्या है। पूरा करने भरोसा रखता हूँ और हम करके अभी भी दिखा सकते हैं, लेकिन बेसिक क्या है कि हमें मदद करनी है, हंगामा नहीं करना, और नाम इतना हम रखते हैं कि अभी जो बहुत कुछ करवा सकते हैं लेकिन तत्कालिक एक जरा से चोट से काम नहीं चलेगा ना। कल आप वहाँ जाओगे 11 बजे, सौरभ आपके साथ कल कोई काम तो नहीं, नहीं आप 11 बजे जाना प्रॉपर इनको और उनको कहना कि ये पहले इनकी बात को आप प्रॉपर सुनो, हवा मेरी कि भाई ये आया और ये धारा बढ़वा क्यों बढ़वाना चाहते हैं ये भी बताना है, किसका कितना रोल है ये भी बताना, ठीक है ना, जो हवा में है जो बाहर है उनका बताना है, और ये भी बताना है कि वो जो AC पे बैठा है वो क्या कर रही है। अब समस्या है ना वो महिला है, इधर से मैं कुछ कहूंगा तो उधर से कहने लग जाएंगे आप महिला होने का मेरे ऊपर वो कर रहे हैं, ये भी तो समस्या होगी ना फिर। तो इसलिए यहाँ आकर थोड़ा सा वो अगर इनकी जगह कोई और मैं तो पूछा था कि यहाँ वो अगर होते इंस्पेक्टर उनसे पूछता कि पोस्ट को क्यों नहीं बढ़ाई थी, कहाँ जो हाँ वो बाहर रहेगा, वो बाहर के लिए है भाई, मेरी बात बेटी खोदी है ना पाल के बड़ी की थी ना उठा के तो ला गई थे, तो उस दर्द को क्यों ऐसे दबा के बैठे हो। तो जिम्मेदार आदमी हो, चुप हो जाओ पहले, रो नहीं भाई उसको एक्शन लेना चाहिए। अगर इस तरह से हम अपनी बच्चियों को बच्चों को इनके हाथ मरवाते रहेंगे फिर तो चल गया काम हमारा, चुप हो जाओ बिल्कुल पहले रो मत, बहादुर आदमी रो मत। लेकिन मेरे भाई सोचो तो सही, जब समाज में जो बाहर निकले हुए लोग उनका ये हाल है तो सोचो आम आदमी के साथ क्या नहीं होता होगा, वो क्या करता होगा, उसको FIR भी लिखनी है, अरे ज्यादा पुलिस वाले भगा देते दो घंटे, पूरे प्रदेश में यही हाल है, कोई नहीं पुलिस सुनती नहीं, ये जंगल राज चल रहा है ना आतंकवाद, ठीक है होना नहीं है, हम सब लोग साथ खड़े हुए हैं, तुम कहो तो अभी कभी, हम तो इसी काम के लिए जन्म है तो यही काम आता, लेकिन अन्याय को दबाने दबने नहीं देते, ठीक है कल और बच्चों के साथ ही होगा अगर हम लोग चुप रहे, ठीक है ना, हमें चुप नहीं रहना है, हमें लौटना, लंबा समय हो गया इतने दिन में तो बहुत कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। दादा उसमें जो चौकी इंचार्ज हमारे हैं यहाँ के पटेल जी, पटेल जी सर हम लोग 4:30 बजे 3:34 पे वो कैमरे में मतलब गायब हुए, 3:34 पे हम लोग कैमरे में देखे जाते हैं, अगर 4:30 बजे उनके पास गए थे अगर उस समय अगर पटेल जी अगर हम लोग की बात सुन लेते, हम लोग की बात सुने, हम लोग 4 लोग गए बात कर रहे हैं हाँ सर जी CCTV कैमरे दिख लो दिखवा लीजिए आप, ठीक है अगर उसमें पटेल जी अगर एक्टिव हो जाते हम लोग को इतना बुद्धि नहीं थे, बुद्धि नहीं थी उस समय माना कि थोड़ा दिक्कत में थे, वो अगर चाहते तो बिटिया जो जिंदा मिल जाती हमको, लखनऊ क्रॉस ही नहीं कर पाती, मेन भूमिका पटेल की भी इसमें नौकर तो नौकर होता है, नौकर क्या करेगा तो मालिक करेगा, ये जो सेवा में लोग हैं ये नौकर ही तो हैं, कोई छोटा नौकर है कोई बड़ा नौकर है, मालिक थोड़ा ही है। हमें चाहिए एक्ट, इतना ताकत हो रहा है ना जिस अधिकारी ने
अपराध को छुपाने का आपके खिलाफ ही कार्रवाई है, लेकिन हम उसका प्रयोग तो करें। जैसे यह मामला एक कोर्ट में आएगा तो हम इन सबको करेंगे अप्लीकेशन दे देकर इनके रोल को उजागर करेंगे कि साहब इनका रोल है, और अगर ये पुलिस के लोग ही अब आरोपी को बढ़ावा देंगे, पुलिस के लोग ही जो है ना आरोपी बचाने का काम करें, तो हम अप्लीकेशन लेकर किसके पास जाएं? ठीक है, तब तक वो 366 ही थी, वो जो ऑफेंस था 366 ही था, लेकिन बाद में 302 हुआ तो उसका भी रोल है। एक्चुअली जिम्मेदार पुलिस वालों पे भी 302 लग जाना चाहिए, अगर 302 वालों को बचाना है। यही तो दिखाई दे कमी ना पलाओ, ये तो हवा है, ये आए के घट जाता है तीन पर। तो ये जो नीचे लोग भैया उधर जाएंगे ना, ये ज्यादा मक्कारी कर रहे हैं, निकल जान लो रहन ध्यान है, इनको लगता कोई कुछ कहेगा तो फिर क्योंकि पीछे का कम हुआ है तो लोगों को लगता है कोई बोलेगा तो फिर नहीं। अच्छा, लखनऊ की घटना को इतना समय लग गया आने में, देखो मेरे पास गजब की बात तो देखो, ये लखनऊ है, हर आदमी को फोन है। तो पवन ने संपर्क किया था हमसे काफी दिन बाद, कह रहे हैं हमारी भतीजी का मामला है, लखनऊ के राजधानी है प्रदेश। अच्छा, तो गांव देहात में क्या होता है जहाँ बिजली भी नहीं है, तो रेप हत्या जैसे मामले में भी वही जो है ना 10-20 हजार रुपए में छूट जाते हैं लोग, इसलिए उनके हौसले बड़े हैं।